नमस्कार, आप देख रहे हैं सुरागी लाल न्यूज चैनल का काशीपुर बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ उनजिला फातिमा। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबर पर। मामूली कहासुनी के चलते दो पक्षों में जमकर लाठी डंडे चल गए, जिसमें दो लोग घायल हो गए। मंगलवार की देर शाम ग्राम मिसरवाला में दो पक्ष में पुराने विवाद के चलते विवाद हो गया। आपसी कहासुनी के बाद दोनों पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चल गए। बताया जा रहा है कि मारपीट की इस घटना में दो लोग घायल हो गए, जिन्हें किसी निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों के 8 लोगों को हिरासत में ले लिया है। सीओ अनुषा बडोला ने बताया कि किसी बात को लेकर दो पक्षों में मारपीट होने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामला शांत कराया, जहां से कुछ लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। उन्होंने ये भी बताया कि अभी तक किसी भी पक्ष के द्वारा कोई तहरीर नहीं दी गई है। अब वक्त हो चला है काशीपुर की अन्य खबरों का। अघोषित बिजली कटौती लोगों के लिए बनी मुसीबत। बिजली कटौती से बार एसोसिएशन की 3 दिवसीय बैठक को स्थगित। 18 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। हेमकुंड साहिब की यात्रा हुई शुरू। अब खबरें विस्तार से। शहर में लगातार हो रही अघोषित बिजली कटौती से लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सुबह और रात की हो रही कटौती लोगों के लिए मुसीबत खड़ी कर रही है। बता दें कि कई दिनों से लगातार रात को शहर के विभिन्न इलाकों में 5 से 6 घंटे की लंबी बिजली कटौती का लोग सामना कर रहे हैं। ऐसे में लोगों को भीषण गर्मी से निजात नहीं मिल पा रही है। लोगों में बिजली विभाग के खिलाफ काफी आक्रोश उत्पन्न हो रहा है। बिजली कटौती के चलते काशीपुर बार एसोसिएशन को अपनी 3 दिवसीय कार्यशाला को दूसरे दिन स्थगित करना पड़ा। बता दें कि 1 जुलाई से लागू होने वाले 3 अधिनियमों को लेकर अधिवक्ताओं ने कार्यशाला का आयोजन किया था, लेकिन कार्यशाला के दूसरे दिन बिजली कटौती होने से कार्यशाला को स्थगित किया गया है। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो, सब लपक लिया। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय? कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। जनपद में अवैध शस्त्र, मादक पदार्थ की तस्करी व अपराधों की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत प्रभारी निरीक्षक कुंडक के नेतृत्व में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने उसके कब्जे से 18 लीटर अवैध कच्ची शराब भी बरामद की। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है। प्रतापपुर चौकी क्षेत्र निवासी ग्राम गोपीपुरा हरनाम सिंह और उनके साथियों ने गुरुद्वारा से हेमकुंड साहिब की यात्रा की। आपको बता दें कि हेमकुंड साहिब की यात्रा चल रही है, जिसमें दूर दूर से लाखों श्रद्धालु दर्शन करने पहुँच रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी सभी खबरों के लिए जुड़े रहिए सुरागी लाल न्यूज चैनल के साथ। धन्यवाद।